मैं बता रही थी कि हमारे पास जो नेक्स्ट काम है वो है कि हमने एक तो चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल होगी, और दूसरा हमने करना है कि बाय वाले हॉर्मोन्स का अगर एक्शन होना हो तो वो कैसे कंट्रोल होगा। तो हमारे पास होता क्या है कि ये मेरे पास अगर पूरा डीएनए है, ठीक है, और उसका हमेशा याद रखना है, मैं बताना भूल गई शायद शुरू में, कि हमेशा जो डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड वाला स्ट्रैंड होता है हमेशा उसी की ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड में जा रहा है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली ये वाला जो 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड अगर मैंने इधर सीधा लिख लिया है तो जो इसकी बेसिस हैं सपोज ए टी सी जी, ये इसकी बेसिस हैं, जो हमारे पास मैसेंजर आ रहे हैं बनेगा एग्जैक्टली इसमें उसके ऑपोजिट बेसिस आएंगी, ठीक है, ए है तो इसके ऑपोजिट थायमिन आता है, टी है तो आई गेस एडिनिन होता है, सी के आगे जी आता है, जी आगे सी, व्हाट्स एवर जो जो ऑपोजिट आते हैं, एडिनिन के आगे मेरे ख्याल गुआनिन आता है और थायमिन के आगे साइटोसिन आता है, थोड़ा सा गलत कह दिया मैंने, इधर साइटोसिन इधर आएगा, फिर साइटोसिन के आगे आ जाएगा आपके पास एडिनिन थायमिन और गुआनिन के आगे आ जाएगा एडिनिन। तो बहरहाल याद ये रखना है कि जो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती हैं हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि एडिनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा गुआनिन आएगा, साइटोसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा बेस थायमिन आती है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट 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 वाली जो बेसिस होती हैं वो हमने सामने होती हैं। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम खोलते हैं और जो उसका बेस पेयर होता है जिस जगह पर हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है एग्जैक्टली उसके बेसिस के ऑपोजिट हमारे पास बेसिस आती हैं, इसलिए जो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड होता है डीएनए का उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर वो वाला जिसने काम करना है जिसके ऑपोजिट हमने बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड भी इसको कहते हैं क्योंकि इससे कोडिंग होनी है ना। लेकिन अगर आप देखें तो क्योंकि हमने कहा है कि जो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड है इसकी जो बेसिस है उनकी एग्जैक्टली ऑपोजिट वाली बेसिस हमें मैसेंजर आरएनए में चाहिए, तो जो हमारे पास ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है जो 5 से 3 प्राइम पे जा रहा है इसके पास भी तो एग्जैक्टली वही बात है ना कि जो हमारे पास जिस स्ट्रैंड को हम कोड कर रहे हैं एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वाली बेसिस इसके पास है कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से ऑपोजिट बेसिस रखते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो नया मैसेंजर आरएनए बनता है वो हमेशा जो डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड के जा रहा है उसके जैसा होता है, ठीक है, जो डीएनए स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड पे जा रहा है जिससे हमने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है नया मैसेंजर आरएनए एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होता है, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड होता है एग्जैक्टली उसके जैसा होता है मैसेंजर आरएनए। ये बात वाइवा में बहुत पूछते हैं, अगर किसी को ना समझे तो पूछ ले या रिवाइंड करके देख ले, लाजमी ये पूछते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आई थी फ्रीक्वेंसी और हार्मोन कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास सपोज़ के यही वाला वो डीएनए का रीजन है जिसने जिसके शुरू और आखिर में प्रोमोट शुरू में जिसके प्रोमोटर प्रेजेंट था और यहाँ पर होनी है ट्रांसक्रिप्शन। जिस जगह पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है उससे ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस पे, ठीक है, जो मेरे पास प्रोमोटर था वो ऑलमोस्ट 25 न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंस पे पड़ा हुआ था, और जो अब मैं बताने लगी वो है 200 न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंस पे जिधर से ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है। वहाँ पर हमारे पास दो तरह के रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रेगुलेटरी एलिमेंट्स, एक को हम कहते हैं डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स। 200 का मैंने एक अंदाज़े का नंबर बताया है, जो प्रॉक्सिमल है वो थोड़े से करीब होते हैं, डिस्टल थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं। ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं ये जो चीज़ें होती हैं ये फ्रीक्वेंसी और हार्मोनल कंट्रोल के लिए होते हैं। होता क्या है कि हमारे पास बॉडी में होते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं ना ये एक्चुअली बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं जो डिफरेंट एरियाज में बनती हैं और फिर आके वो इधर इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जो मेरे पास है स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिस तरह मैंने बताया था जनरल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर साइटोसोल में बनते हैं, ये भी हमारे पास इधर नहीं बनते बल्कि वो कहीं और से बन के आते हैं। ये देखते हैं जबकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होने लगा है और उस जगह पर मुझे फ्रीक्वेंसी और हार्मोन का कंट्रोल करवाना है, तो ये क्या करेंगे कि स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं वो हर तरह के होते हैं, ठीक है, इनमें भी बहुत वैरायटी है। जिन्होंने फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है वो जाके बाइंड कर देंगे प्रॉक्सिमल रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ जो डीएनए के स्ट्रैंड पे पड़ा हुआ है, और जिन्होंने हार्मोन के चेक करने के लिए रखना है वो जाके बाइंड कर देंगे डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ जो कि हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड पे पड़ा है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। जब ये दोनों बाइंड कर जाएंगे इनके साथ तो ये दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और प्रॉक्सिमल वाली चेक करना शुरू कर देगी फ्रीक्वेंसी को और डिस्टल वाली हार्मोन को। जैसी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो ये दोनों साथ साथ अपना काम करती रहेंगी, प्रॉक्सिमल वाली फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगी और डिस्टल वाली हार्मोन को चेक करने लग जाएगी, ये भी बात होगी। अब अगर आपको मैं बताऊँ हमारे पास सिर्फ एक काम रहेगा इन सारे कामों में, ये भी हमने कर लिया कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी और चेक हार्मोन इसका में, अब सिर्फ रहेगा स्पीड को कंट्रोल करना। तो जो स्पीड को कंट्रोल करने वाला हिसाब किताब है इसके लिए एक आखिरी चीज़ आती है, वो होते हैं हमारे पास इन्हेंसर्स। इन्हेंसर्स जो हैं
ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो सिस एक्टिंग इन नेचर। सिस एक्टिंग का मतलब जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, जिस डीएनए के पोर्शन की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, उसी का कोई न्यूक्लियोटाइड होगा जो या तो ये होगा कि जिस साइड से शुरू होनी है उसके करीब प्रेजेंट होगा, या फिर ये हो सकता है जिस साइड पे ख़त्म होनी है ट्रांसक्रिप्शन उसके करीब प्रेजेंट होगा, या फिर कहीं भी आगे पीछे होगा, लेकिन ये है बात कि वो यहीं पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। इसी हमारे पास जो डीएनए की चेन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, और इसने काम ये करना है कि इसने स्पीड को या रेट ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन है, अगर वो आहिस्ता है तो उसे तेज़ कर दें, अगर बहुत तेज़ है तो आहिस्ता करना है। वैसे नॉर्मली आहिस्ता ही होती है और उसे तेज़ ही करता है। तो ये होते हैं हमारे पास इनहेंसर। अब जब ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी, हमने सबसे पहले किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिस्टोन प्रोटीन को अनवाइंड किया था बाय एसिटाइलेशन, वह डीएनए को अनवाइंड किया था हिस्टोन से बाय एसिटाइलेशन। फिर हमने कहा था कि एक हमारे पास कोर प्रोमोटर होता है जो टाटा बॉक्स भी हो सकता है, इनिशिएटर भी हो सकता है, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट भी हो सकता है। इसको हमने देखा था कि ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर हमने कहा था कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 है जिसने करवानी है ट्रांसक्रिप्ट, 2 है जिसने करवानी है ट्रांसक्रिप्शन। उसको फिर हमने देखा कि हमारे पास जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं जो 3 तरह के होते हैं। उनमें से एक जो है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर को, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज 2 को लेके जाता है टूवर्ड्स इट्स एरिया जहाँ पर उसने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, और तीसरा स्ट्रैंड को अनवाइंड कराता है। तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने अपना काम करा दिया। फिर हम आए कि हमारे पास प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं उसी जीन पे, जिन पे आके बाइंड करती है स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, और वो उनमें से एक जो है वो फ्रिक्वेंसी को चेक करता है, एक हॉर्मोन को चेक करता है। जब ये भी काम हो गया, फिर हमने कहा कि हमारे पास इसी वाली जगह पर ट्रांसक्रिप्शन वाली जगह पर इन्हेंसर्स होते हैं, इन्हेंसर्स न्यूक्लियोटाइड्स ही होती हैं जो कि इस स्पीड को तेज़ करती हैं। इसके बाद अब जब हमने सारी चीज़ें बाइंड कर ली, तो होगा कि हमारे पास अगर ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड ऐसे बाइंड हुआ हुआ, यहाँ प्रोमोटर होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड हो जाएगा, दोनों खुल के प्रोमोटर वाले रीजन से आरएनए पॉलीमरेज 3 आके एक्ट करेगा। ये अमाइनो एसिड्स तो साथ प्रेजेंट ही होते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगी, न्यूक्लियोटाइड सॉरी, यहाँ पर अगर एडिनाइन है, यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ साइटोसिन है, तो एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट वाली इधर आके वो सामने इनके लगाता जाएगा। एडिनाइन के ऑपोजिट वो लगाएगा गुआनिन, और जी के ऑपोजिट ए, सी के ऑपोजिट टी। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, बिकॉज अभी मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा कि एम आई राइट के ऑपोजिट इनके यही होती है या नहीं। बहरहाल जो बात है कि ऑपोजिट सीक्वेंसेस को उनके सामने लेके आ रहा है, और ये सारी आपस में इस तरह जुड़ती जाएंगी, और पूरा एक पैसेंजर आरएनए बनता जाएगा जब तक एंड नहीं होता। टर्मिनेशन अब किस तरह से होती है, टर्मिनेशन के बारे में अभी तक क्वेश्चनेबल है, नहीं जानते, रिसर्च चल रही है कि कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स ही आते हैं जो टर्मिनेट करते हैं, लेकिन यही देखा गया शायद फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल कर रहा है वही शायद टर्मिनेशन करता है, लेकिन इन्हें डिटेल में अभी तक रिसर्चर्स को नहीं पता। अब आपको बताया जो मैंने कहा था डीएनए का स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला कोड हो रहा है, तो जो नया मैसेंजर आरएनए बनेगा वो 5 से 3 प्राइम एंड होगा। इस तरह आपकी ट्रांसक्रिप्शन पूरी हो जाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट इट यू कैन आस्क। थैंक यू।